जनपद हापुड़ के कप्तान अभिषेक वर्मा द्वारा धमकी देने वालों के ऊपर कार्यवाही करते हुए एक व्यक्ति के लड़के के शादी को लेकर उसके घर के बाहर धमकी भरा पत्र लगाए जाने के संबंध में थाना सिंभावली पर प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है। स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। मामला सामने आया जहां एक प्रेमी ने दूल्हे के घर के बाहर पोस्टर लगा दिया है और धमकी दी है दूल्हे को भी और बारात को भी। सर, क्या मामला और क्या कार्रवाई अब तक की? देखिए, थाना सिंभावली में एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें जो कंप्लेनेंट हैं जय सिंह, उन्होंने बताया कि उनके घर के बाहर एक धमकी भरा पत्र लगाया गया है जिसमें उनके यहाँ जो हाल फिलहाल में उनके बेटे की शादी होने वाली है उसको लेकर के उनको धमकी दी गई, उनको उनके बेटे और परिवार को। इस पूरे प्रकरण को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस द्वारा तुरंत इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है और सभी तथ्यों की छानबीन की जा रही है। साथ ही साथ इसमें प्रथम दृष्टया जो अभी तथ्य सामने आए हैं उसमें कोई आपसी कलह और घरेलू कलह की बात सामने आ रही है जिसमें आपस में ही घर में प्रतिद्वंदिता होने कारण इस तरीके के कुछ ये जो पत्र है वहाँ लगा है। इसमें पुलिस द्वारा भी आवश्यक छानबीन करी जा रही है और 2-3 सस्पेक्टेड लोगों से पूछताछ भी की गई है। जल्द इस बारात जानी, कब ये बारात जानी है और क्या अगर ऐसा होता है तो बारात को सक्षम मुहैया कराई जाएगी? देखिए, इसमें फरवरी के महीने में इनके यहाँ शादी होनी है और इसमें दोनों परिवार से बातचीत हुई है और पुलिस द्वारा इसमें बिल्कुल पूरे परिवार को सुरक्षा दी जा रही है। साथ ही साथ जैसा कि मैंने बताया कुछ सस्पेक्टेड लोग हमें मिले, उनसे पूछताछ हुई और प्रथम दृष्टया घरेलू कलह की बात सामने आ रही है। इसमें अभी पुलिस द्वारा जो अभियुक्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए जल्द से जल्द इस पूरी घटना का निवारण करते हुए जो सस्पेक्टेड अभियुक्त उनको गिरफ्तार किया जाए।